बता दी टाइम टेबल पर वीडियो बनाओ, टाइम टेबल पर वीडियो बनाए, हम टाइम मैनेज कैसे करें, अपना टाइम शेड्यूल कैसे फॉलो करें, हम ऐसे कैसे टाइम टेबल बनाएं, सबके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो आज मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ, मैं आपके साथ टाइम टेबल स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप इस तरीके से टाइम टेबल अपना बना सकते हो। और हाँ बच्चों, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो कल को बहुत ही जल्दी अपलोड होगी, क्योंकि मैं आपको ईजीली बोर्ड पर समझाऊंगी, क्योंकि बोर्ड पर ही समझानी पड़ेगी उस वीडियो को ना। तो फिर कल को हम बोर्ड पर समझाएंगे टाइम को मैनेज कैसे करना है। अभी अभी मैं आपको सिर्फ टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगी कि आप टाइम टेबल कितना ईजीली बना सकते हो। तो मैं साइड में टाइम टेबल शेड्यूल लगा दूंगी और आप फॉलो करना उसको, ठीक है। 6 to 8 वाले बच्चे मोस्टली ध्यान से देखना, और 9 to 12 वाले बच्चे, तो आपको इजीली हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा टाइम टेबल बनाना। ऐसा नहीं है बड़े बच्चे नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं, आप भी बना सकते हो इस टाइम टेबल को देखकर अपना टाइम टेबल। तो देखो, सबसे पहली बात, सबका सोने का टाइम और उठने का टाइम सबका ही अलग होता है ना, सभी का अलग होता है बच्चों। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। होप करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि टाइम टेबल के बेस पर है, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है और काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके बताना क्या आप इस टाइम उठते हो, क्या क्या आप फॉलो करते हो, रूटीन में क्या क्या चीज़ें आप ऐड करना चाहोगे, सब चीज़ें कमेंट कर देना। और फिर मुझे अगर हो सके अपना टाइम टेबल शेड्यूल ज़रूर बता के जाना। चलो, तो मैंने जो टाइम टेबल आप सबके लिए बनाया है वो मैं साइड में लगा रही हूँ और आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से अपने टाइम को टाइम टेबल बना सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है, कल को ही पोस्ट करूँगी मैं, क्योंकि कल ही बनाऊँगी, तो मैं कल ही पक्का श्योर हूँ, मैं कल को मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना दूँगी कि आप अपने टाइम को कैसे कंज्यूम करोगे, कैसे बचाओगे और कैसे कैसे आपको यूटिलाइज करना है। अभी तो टाइम टेबल की वीडियो बनाई है, उस पर फोकस करते हैं। और हाँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे प्लीज़ बना दो, तो फाइनली मैंने बना दी है। तो ठीक है बच्चों, आप परेशान मत होना, वीडियो आएगी चाहे लेट आए, बट जितने भी आपके क्वेश्चन क्वेन है ना, उन सबकी वीडियोज़ आएगी। जैसे कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा हुआ है इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, तो मैं एक एक करके सबके टॉपिक्स फाइनली बनाती चलूँगी, जिससे कि सबके पास सबकी वीडियोज़ पहुँचती रहेंगी। तो मैं वो साइड में लगा देती हूँ टाइम टेबल शेड्यूल्स ना। तो सबसे पहले जो बच्चे 5 बजे उठते हैं वो ज़रूर कमेंट में बताना किस किस टाइम उठते हैं आप सभी ना। तो 5 बजे थिंक टू डू लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम उठने के बाद में आपको वेकअप करना है, ब्रश ट्रीट करने हैं और ड्रिंक वार्म वाटर, मतलब आपको एक निवाया पानी पीना है, ठीक है। और हैव सम फूड्स, हाँ जी, थोड़े से फल खा लेना है, जैसे कि आपको अच्छा वाइब आए और अच्छा पिलाए, हेल्दी रहो, अच्छे रहो, मतलब ठीक है, हेल्दी रहोगे आपकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी, तो फिर आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। 5:30 से 6:30 तक आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से हमारा ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब बुद्धिमान होते हैं, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है हमारा जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है बच्चों, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। 6:15 है ना, 6:15 से 6:30 तक आप शावर ले लो, ठीक है बच्चों, ठीक है। और 6:30 से 7:30 तक जितना भी आपने रिवाइज और डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट मतलब सबसे पहले आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेना है जिसको आप 6:30 से 7:30 करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर आपको 7:30 से 8:00 तक हेल्थी ब्रेकफास्ट को रेडी करना है। और स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे कॉलेजेस जाते हैं, उनका टाइमिंग भी मे बी यही होगा 7:30 से 8:00 तक, है ना बच्चों। उसके बाद आप 8:00 से 2:00 तक के लिए स्कूल रहते हो, फिर 2:00 से 2:30 तक फ्रेशअप एंड हैव अ लंच, आपको खाना खाना है, ठीक है बच्चों। और फिर 2:30 से 3:30 तक टेक रेस्ट, यानी कि आपको आराम, अपने शरीर को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो 2:30 से 3:30 तक का टेक रेस्ट ले लो। मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2:30 बजे स्कूल से ही आते होंगे, उनके स्कूल वैन काफ़ी लेट आती होंगी, तो मैं फिर बोल रही हूँ आप टाइम चेंज कर सकते हो, टाइम को आपको चेंज करना पड़ेगा, आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग ही बनाना। बस चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, आप ये चीज़ें फॉलो करना कि आप सुबह को उठ के क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग शूट करना, अपने आप सूटेबल होएगा आपका। क्योंकि अगर आप 5 बजे उठते हो, बहुत से बच्चे 4 बजे उठते हैं, बहुत से बच्चे 6:30 बजे उठते हैं, तो सभी का टाइमिंग अलग अलग होती है। और बहुत सारे बच्चों के ऐसे होते हैं कि जिनकी छुट्टी ही 2:30 बजे होती है, होता है काफ़ी सारी बार, तो मैं उनको कहना चाहूँगी आप टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बट अगर आप ये चीज़ें करते हो, मतलब थिंक टू डू,
फॉलो करते हो तो लाइफ में हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है। 3:30 से 5 बजे तक का ट्यूशन टाइमिंग होती है और 5 से 6 बजे तक हैव अ हेल्दी स्नैक्स, कुछ भी हेल्दी खा लो। अब हेल्दी में आप जैसे कि सब्जियां होती हैं, सब्जियों को डीप फ्राई करके ओट्स में डाल लो, तो नमकीन ओट्स बना के खा लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। पोहा खा लो, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो जो कि बहुत हेल्दी होती हैं। ब्राउन ब्रेड का पोहा बना सकते हो, मतलब मैं तो अपने लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो वो सब चीज़ें अलग ही हैं। फिर आप थोड़ी सी देर अपने फ्रेंड के साथ खेल लो, फन कर लो, एंजॉय कर लो। 6 to 8 और 9 to 12 वाले बच्चों तो खेलना ही नहीं, बस थोड़ा सा आपको लगता है थोड़ा सा घर वालों से बातचीत कर लो, थोड़ा अपना मन को थोड़ा अच्छे से फ्रेश अप कर लो, है ना। 6 से 7:30 ट्यूशन प्लस सेल्फ स्टडी। अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो तो ट्यूशन पढ़ लो, और सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ स्टडी कर लो। सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं है लाइफ में। ट्यूशन पढ़ना अच्छी बात है, बट जो मैं छोटे बच्चों को यही कहना चाहती हूँ, जो बच्चे 5th तक है उनको तो ट्यूशन की नीड ही नहीं होनी चाहिए, और जो 5th से बड़े हैं ट्यूशन रखते हैं उसके बाद में उनको सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। जब भी हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितना ज़्यादा कर पा रहे हैं और कितना ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं अपने आप को और कितना ज़्यादा समझ पा रहे हैं खुद को। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है, हमें जानने को मिलता है। जब हम कुछ भी सेल्फ स्टडी करते हैं और हमें समझ नहीं आता तो हमें क्वेरीज निकलती हैं, वो क्वेरीज हमें कोचिंग में जाकर टीचर से डिस्कस करनी चाहिए। जब हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं टीचर से तो टीचर को भी लगता है हाँ बच्चे ने पढ़ाई की थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथ्स भी ट्यूशन में कर लिया, घर जाके बैग रख दिया, फिर स्कूल चले गए, फिर ट्यूशन आ गए, फिर घर जाके बैग रख दिया। तो कितने बच्चे ऐसे हैं कमेंट में बताना, आप हो या रिलेटिव्स में हो, तो बहुत सारे ऐसे ही होते हैं। और जो बच्चे घर जाकर भी रिविज़न कर रहे हैं उनके माइंड में वो चीज़ स्टेबल रहती है। हाँ जी, अब आप ही हो, आप ही मतलब मैं ही हूँ, अगर कोई भी चीज़ ले लो, अगर मैंने भी आपको बताई है, टाइम टेबल बताया है, ये सब चीज़ें बताई है, और अगर मैं इनको फॉलो ही ना करती तो मैं आपको क्या ही बताती, समझने की बात है। हम जब तक खुद कुछ नहीं कर सकते, खुद कुछ नहीं कर पाते तो हम सामने वाले को क्या ही ज्ञान देंगे, सबसे पहली चीज़। तो मेरा मानना ये है अगर आप खुद कुछ करोगे तभी आप सामने वाले को ज्ञान दे सकते हो, अन्यथा आपने खुद नहीं किया, आप फालतू में ज्ञान दे रहे हो, सामने वाले ने आपसे पूछ लिया आकर कि अच्छा इसका इस क्वेरी का आंसर बताओ, तो आप क्या ही बताओगे, समझ रहे हो ना। तो आपको वो सब चीज़ें करनी चाहिए जो चीज़ आपको लाइफ में अचीवमेंट की ओर ले जाती हूँ, तरक्की की ओर ले जाती हूँ। और अगर आपने सुबह उठने का टाइम, सोने का टाइम अच्छे से मैनेज कर लिया ना, तो आप लाइफ में हर चीज़ कर सकते हो जो आपको सक्सेसफुल आदमी बनाती है, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया है ट्यूशन प्लस सेल्फ स्टडी 6 से 7:30 और 7:30 से 8 बजे टिका ब्रेक, एक ब्रेक ले लो, उसमें आप डिनर कर लो, ये कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। 8 से 9:30 स्टडी टाइम, डिफरेंट सब्जेक्ट एवरी डे, मतलब हर दिन एक अलग विषय ज़रूर पढ़ो, अलग टॉपिक पढ़ो। जैसे ये आपका होता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि हम उसको पढ़ते नहीं हैं। जैसे हम नॉर्मल पर्सन होते हैं ऐसे उनकी जन्म होता है और मतलब मृत्यु का होता है, ये सब चीज़ें तो होती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, बोन ब्रीथ सब चीज़ें पढ़नी चाहिए उनकी। जब आप पढ़ते हो ना तो समझ में आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते, और जब हम पढ़ते ही नहीं किसी चीज़ को और बस कहते रहते हैं हमसे तो हो ही नहीं रहा, तो वो चीज़ हमसे अच्छे से ईजीली नहीं हो पाती, ठीक है। 9:30 से 10:30 है वो डिनर, आप डिनर कर लो, वैसे कोशिश करो कि जल्दी ही डिनर कर लो, कि जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। बट काफ़ी सारे बच्चों मैंने मेरे पास जो कोचिंग में पढ़ते हैं बच्चे, उनके अकॉर्डिंग मैंने ये टाइम टेबल बनाया था 6 to 8 का, उनका शेड्यूल कुछ इसी तरीके से था। उन्होंने मुझसे बोला था दीप प्लीज़ हमारा टाइम टेबल बनवा दो, प्लीज़ हमारा टाइम टेबल बनवा दो। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, मैं आप सबके भी कमेंट से दीप प्लीज़ हमें टाइम टेबल बनाना सिखा दो। तो आपको सिर्फ टाइमिंग एक्सचेंजिंग करनी है, कंसेप्ट तो वो ही सेम आपका भी है, उनका भी वही कंसेप्ट है और आपका भी वही कंसेप्ट है कि आपको क्या क्या चीज़ें कब कब करनी है, बस टाइमिंग को एक्सचेंज करना है। अगर आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे, तो आपके अकॉर्डिंग टाइम करना है ना बच्चों। ये सब चीज़ें तो आप भी करते हो डेली लाइफ में, बस आपका सब्जेक्ट हार्ड होता है, उनके सब्जेक्ट छोटे छोटे होते हैं, उनके जीके कंप्यूटर हो जाता है, आपके में बहुत ईजी हार्ड हो जाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल ये सब हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया फिर 9:30 से 10:30 है वह डिनर कर लो, टीवी देख लो, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देख लो, और फिर 10:30 बजे आप सो सकते हो, बहुत चूज़ किए, ठीक है। बट मैंने, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे आपने बोला था
सोने से पहले टीवी और क्या कहते हैं मोबाइल नहीं देखना चाहिए। तो हाँ मैं नहीं चीज़ कही थी, चीज़ मैं फिर कहूँगी, माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप टीवी देख रहे हो, बहुत सारे बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के लिए पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, देखते हैं। पर सोने से आधा घंटा पहले आप किताबों पर थोड़ा ध्यान दें। तो होप करती हूँ ये टाइम टेबल आपको समझ में आया हो, और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने इसे आपको बताया ही है अभी जस्ट राइट नाउ कि बहुत जल्दी ही वीडियो आएगी, टाइम टेबल के जस्ट बाद में ही वीडियो आ जाएगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और ये सब चीज़ें क्या करनी है और इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं सभी की कमेंट पढ़ती हूँ, मतलब जैसे आप लोगों से क्वेश्चन किए हैं तो मैं हर बच्चे की कमेंट पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं पढ़ती, बट थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, वीडियो सबके लिए ही आएगी। बहुत सारे लोगों का था स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा कम है, दी हम स्पीड कैसे बढ़ाएं, बहुत सारे आते हैं डेली, तो मैं सोचती हूँ डेली एक एक टॉपिक ले लूँ और आपकी उस पर वीडियो बनाओ। अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप भी शेयर करो, जिससे कि आपके क्वेश्चन का भी मैं मतलब एक वीडियो बनाऊँ आपको बताऊँ। तो देखो मुझे अच्छा लगता है आपको गाइड करना, मेरे छोटे भाई बहन हूँ और मैं आप ये समझो आपकी दीदी आपको गाइड कर रही है अच्छे से, और आपको जो भी क्वेश्चन हो आप उसे बी डोंट वरी होकर बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और होप आपने एक चीज़ और करना, जैसे आप इस चीज़ को फॉलो करते हो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे, फिर आपको जब आदत पड़ जाएगी तो फिर आपकी हैबिट आदत हो जाती है, हमें किसी चीज़ की ईजिली उसको फॉलो कर पाते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे नहीं हो पा रहा, हो जाएगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, थोड़ा बहुत मिसिंग चलेगा, टाइम अप डाउन चलेगा। ऐसे में मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, तो सभी के साथ होता है, तो आप परेशान मत होना इस चीज़ को लेके कि नहीं हमसे फॉलो नहीं हो पा रहा है टाइम टेबल, और ये टाइम टेबल नॉट अ हार्ड, बहुत ईजी टाइम टेबल है। तो बस आपको जिसको भी टाइम टेबल चेंज करना है सिर्फ टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, जिस जिसकी छुट्टी जिस टाइम होती है ना वही सब चीज़ें करनी पड़ेगी, और तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। और तो सबसे चीज़ वही है, सबसे पहले उठ के सब यही करते होंगे, सब चीज़ें फॉलो करते होंगे। और हाँ, जो बच्चे एक्सरसाइज और मेडिटेशन नहीं करते, डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं उनका माइंड वर्क नहीं करता, बहुत करता है, बट वो होता है ना एक शांति मन को नहीं मिलती तब तक जब तक हम कुछ भी अपना अच्छा ध्यान न लगाएं। मेडिटेशन करने से ही हमें बहुत शांति मिलती है, आप करके देखना मेडिटेशन, बहुत ईजी मतलब एक होता है ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, सब चीज़ें याद करना, ठीक है। और रात को जो मैंने आपको कहा है वो जरूर ट्राई करना, सोने से पहले पढ़ाई करना, वो ही आपके मन में घूमेगी, ठीक है। तो अगर अगला टॉपिक आप सबको पता ही है कौन सा आने वाला है, तो जो पहले आपको पहने होंगे वो ज़रूर शेयर करना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पर भी आए। तो होप करती हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट और शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के आप अपने घर पर सेफ रहें, ध्यान रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और जो भी क्वेश्चन हो वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।